नौतपा शुरू होने के साथ ही प्रदेश में जो भीषण गर्मी का दौर शुरू हुआ था वह अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। प्रदेश के 15 जिलों में जहां दिन का तापमान 42 डिग्री को पार कर गया है तो वहीं आधा दर्जन जिलों में दिन का तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। श्रीगंगानगर में बीते 24 घंटों में 47.3 डिग्री के साथ सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। इसके साथ ही बीकानेर और चूरू में भी दिन का तापमान 46 डिग्री के पास पहुंच चुका है। भीषण गर्मी और उमस के साथ ही अब लू के थपेड़ों ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि बीकानेर संभाग सहित आसपास क्षेत्रों में हीट वेव और गर्मी का असर देखने को मिला है। इसके साथ ही हीट वेव का असर राजस्थान में उत्तर पश्चिमी के बीकानेर, चूरू, गंगानगर और शेखावाटी के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ हिस्सों में मौसम बदलने के साथ ही लोगों को गर्मी से हल्की राहत भी मिल सकती है। ऐसे में गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान में येलो तो पश्चिमी राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। 2 मई तक प्रदेश के तमाम जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। नमस्कार। पिछले 24 घंटों में बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव की कंडीशन दर्ज की जा रही है। सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान गंगानगर में 47.3 डिग्री सेल्सियस 28 मई को दोपहर में दर्ज किया गया था। हीट वेव की परिस्थिति अभी भी अगले 24 से 48 घंटों तक उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग, चूरू और शेखावटी संभाग के कुछ जिलों में देखने को मिल सकती है। इस दौरान कहीं कहीं सीवियर हीट वेव यानी कि अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो सकता है। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म और अचानक तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का सिस्टम भी दोपहर या शाम के समय डेवलप होने की संभावना